हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 घंटे यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। सो मेष राशि वालों के लिए डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी रहने वाली है, पहली चीज़ तो ये कि किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हो, ठीक है। कि यू नो इट्स लाइक आपके और आपके पार्टनर के बीच में या तो आपकी फैमिली आ रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं या कोई और थर्ड पर्सन आ रहा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। लेकिन साथ साथ जो गाइडेंस है वो ये भी है कि आपको अपने लिए डेफिनेटली स्टैंड लेना है, ठीक है। आपको अपने आप को डिफेंड करना सीखना है कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर आपको कोई मतलब बेसिकली कोई डर नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। एंड इसमें लिखा है यू हैव द राइट टू एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम दोज हु ब्रिंग ड्रामा इन टू योर लाइफ। तो जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा लेके आ रहे हैं, आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप उन लोगों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटा दो, ओके। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि के लिए आया है 9 of Pentacles एंड साथ में आया है 10 of Thoughts। तो आपकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपने ऊपर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो, अपना ध्यान रखते हुए, अपना सेल्फ केयर करते हुए। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्किन केयर रूटीन एंड यू नो अपनी ड्रेस सेंस को देखना, अपने बारे में कुछ चीज़ें चेंज करना, कुछ लोग रिलैक्सेशन थेरेपीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रही हैं। तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी पे फोकस होगे, अपने आप को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली आपको ग्रो करना है उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और जो आपका कार्ड है बेसिकली वो यही है कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप इस थॉट पैटर्न से मूव ऑन करो कि यू नो आप किसी के ऊपर अभी फ़िलहाल फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हो। इस टाइम पे आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस टाइम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना है, ओके। अदरवाइज़ आपके कोडिपेंडेंट इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे एंड जैसे जैसे वो इश्यूज़ क्रिएट होंगे आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो अपने पैसों का बहुत ज़्यादा धौंस जमाने वाले हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोग मुझे एक अच्छी पोजीशन में दिख रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं एक मुझे यहाँ पे एंगर दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं एक गुस्सा दिखाई दे रहा है। एंड यू नो एक जैसे जो छोटा सा बच्चा होता है ना, आप जितने ही बड़े हो जाओ लेकिन एक अंदर छोटा सा बच्चा मुझे दिख रहा है जो उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए ना तो वो ऐसे करके देखता है, बहुत ग्रम्पी उसमें। तो वो एनर्जी थोड़ी सी रह सकती है, थोड़ा क्रैंकी फील कर सकते हो, ग्रम्पी फील कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत बॉसी वाली फीलिंग आएगी, डिमांडिंग वाली फीलिंग मुझे डेफिनेटली आएगी। दूसरे लोग आपको डेफिनेटली इरिटेट कर सकते हैं एंड ये चीज़ इसमें भी जो मैसेज आया है, जो गाइडेंस आई है इसमें आया है कंसिडर टेकिंग अ वेकेशन और अ स्मॉल ब्रेक टू हेल्प यू रेजुविनेट एंड बिकम क्लियर ऑन व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट। तो ये चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि कभी कभी हम जितना ही सामने वाले को दिखा दें कि वो देखो हम इतने पावरफुल हैं, ये है वो है, लेकिन जब तक हम अंदर से फील नहीं करते हैं, जब तक अंदर से वो खोखलापन वो वॉइड रहता है, तब तक हम कभी भी सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। तो ये टाइम आ चुका है कि आप अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है आप नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अकेलापन फील हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको आइसोलेट कर रहे हैं, आपको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड द मोस्ट, ओके। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये एक ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पर आप डीप कॉन्टेम्पलेशन कर सको, रिफ्लेक्शन कर सको, अपने अंदर झांक के देख सको कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या अपनी लाइफ से। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है या आपकी जो हायर सेल्फ वो है वो किसी टाइप का फ्रीडम चाह रही है। अब वो किसी रिश्ते से हो सकता है, यू नो किसी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से हो सकता है, एंड वो फ्रीडम आपके हाथ में है, लेकिन आपको जो चीज़ें रोक रही हैं वो है आपकी यू नो कि शायद से आप किसी पे डिपेंडेंट हो किसी ना किसी तरीके से। सो वो फ्रीडम आपको चूज़ डेफिनेटली करना चाहिए।
लेट्स सी हमारी अगली राशि यानी कि लियो जो कि है हमारी सिंह राशि। सो सिंह राशि वालों के लिए आपकी जो एनर्जीज रहेंगी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत इमोशनल एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। वॉटरी एनर्जी रहेगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। जिन लोगों को आप अपनी फैमिली कंसिडर करते हो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। बहुत कम्फर्टिंग सेफ एनवायरमेंट मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख रहा है। एंड साथ साथ इसमें ये भी लिखा है दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू and do whatever you set your mind to if your heart is open। तो इस टाइम पे you need to open your heart next 24 hours में। जितना ज़्यादा आपका हार्ट ओपन होगा उतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में decisions अच्छे बना पाओगे। जितना आपका हार्ट क्लोज होगा उतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में decisions डर के बेसिस पे बनाओगे। ओके, सो ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है जो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स फॉलो करने को बोल रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जो नेक्स्ट 24 आवर्स होने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी से कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, माइंड एंड हार्ट काफ़ी बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप एकदम सेंटर्ड एंड ग्राउंडेड है, जिससे कि आप सही वर्ड्स यूज़ कर सकें, जिससे कि आप जो एक्चुअली में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन में तो बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन बाहर आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो उस कम्युनिकेशन का फिर दैट इज़ अ डेड कम्युनिकेशन, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, एंड साथ में आया है सिक्स ऑफ इमोशंस। तो कुछ ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ पास्ट के लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत नॉस्टैल्जिक फील करवा सकते हैं। आप उनके साथ यू नो टच में रहना चाहोगे। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आज आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है या कोई बातचीत हो सकती है जहाँ पे आप यू नो एकदम से आप उनके साथ रीयूनाइट कर रहे हो। बहुत फ्रेंडली बेसिस पे भी ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ऐसा फील हो सकता है आपके हर जगह से रास्ते बंद हो चुके हैं। ठीक है, इट्स लाइक आप ना मेडिटेशन वर्क कर रही है, ना इंट्यूशन वर्क कर रही है, ना टैरो वर्क कर रहा है, ना कुछ वर्क कर रहा है, ना किसी की गाइडेंस वर्क कर रही है। आप इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ फील कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड तो और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस कहीं ना कहीं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर सकते हो लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये एक आपको लेसन है जो आपको सीखना ही है, क्योंकि आउट विद द ओल्ड इज़ इन विद द न्यू। तो जैसे ही आप अपनी आउटडेटेड बिलीव्स को, जो भी आपके लिए अब वर्क नहीं करता, उन सब चीज़ों को आप जैसे अपनी लाइफ से बाहर किक आउट करोगे, बाहर भगाओगे, वैसे ही आपकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग्स, वो न्यू एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, लेट्स सी हमारी वृश्चिक राशि वालों को लेके क्या मैसेज है यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो एनर्जीज रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा मिंगल वाली एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, लोगों के साथ बात करना, नए लोगों से मिलना, काफ़ी सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आइडियाज़ शेयर करते हुए दिख रहे हो। इट्स एज इफ कि आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है या आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मिलता है। ठीक है, एंड ये लोग जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ग्रो करने में आगे लाइफ में। ओके, बहुत पॉजिटिव फ्रेंडशिप्स दिख रही है मुझे, बहुत अच्छा यू नो सोशल सर्कल दिख रहा है जहाँ पे बिल्कुल भी एक नेगेटिविटी नहीं है, सामने वाला दूसरे को गिराना नहीं चाह रहा। इट्स लाइक एवरीवन वांट्स टू बिल्ड टुगेदर। ओके, वो जर्नी मुझे डेफिनेटली दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड भी फील करना चाहिए। आपने जिस टाइप के डिसीजंस अभी रिसेंटली अपनी लाइफ में लिए हैं, आई थिंक आपने काफ़ी फेयर डिसीजंस लिए हैं एंड ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपको आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि विच इज़ सैजिटेरियस। सो धनु राशि वालों की जो एनर्जीज हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए रेड कलर एंड येलो कलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ पाना चाह रहे हो, वो चीज़ डेफिनेटली आपकी 3D में, आपकी रियलिटी में आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू नो आपके एंजल्स आपको कोई विजडम वाली चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो यू नो स्पिरिचुअल गिफ्ट
आपको डेफिनेटली मिलने की फुल मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है, स्पेशली वो लोग जो बहुत रिलीजियस हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, उन लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली ये चीज़ है. कुछ लोग, अगर आप लोग यू नो कंसीव हो सकता है आप लोग करो, या फिर यू नो बेबी की कोई न्यूज़ आ सकती है फैमिली में. एंड साथ साथ 10 of Action आया है, जिसमें इट्स रिटन द एंजल्स आर आस्किंग यू टू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ. सो आप में से कुछ लोगों में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर को लेके हो सकता है आपका करियर इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इट्स लाइक कि आप अपने विजडम को पीछे छोड़ सकते हो. ठीक है, तो वो टाइम आ गया है कि यू नो चीज़ों को विजडम के साथ लेके चलना, हर चीज़ के अंदर बैलेंस बिठा के चलना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो वो बैलेंस होती है वो आपसे एक पॉइंट पे छीन ली जाती है. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि. सो मकर राशि वालों की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं, आपका ध्यान अपने हो सकता है किसी स्टार्टअप के ऊपर, अपने किसी बिजनेस के ऊपर, बेसिकली अपने फाइनेंसेस के ऊपर होने वाला है. हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, यू नो कोई छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो वो डेफिनेटली एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, काफ़ी फोकस लग रहे हो आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर के ऊपर. एंड साथ में आया है 10 of Abundance, तो हो सकता है आप किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, या आपने पहले कभी किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट किया हो, लेकिन अब उसके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अबंडेंस में मिलेंगे. ओके, 10 of Abundance हमेशा हमें बताता है कि चीज़ें आपको बेसिकली, आप फाइनेंशियली फ्री तो होते ही हो, लेकिन आप इमोशनली भी अबंडेंट फील करते हो, मेंटली भी आप बहुत बैलेंस फील करते हो, सो आपको लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड सॉर्टेड लगने लगती है. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि. सो कुंभ राशि वालों की जो एनर्जीज़ होने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, पहली चीज़ तो ये कि आप कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो. ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है कुछ लोग के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली एंथुजियाज्म मुझे दिखाई दे रहा है, एक एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में. और उसके साथ साथ जो आपके लिए गाइडेंस आई है उसमें आया है देर आर ग्रेट रिवॉर्ड्स इन स्पेंडिंग टाइम अलोन. अगर आप कोई अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ बिताते हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया किसी एक ऐसे आइडिया से आप यू नो कम अक्रॉस हो सकते हो जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, इट्स लाइक अ गिफ्ट, यू नो इट्स लाइक अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर यू और दिवाली गिफ्ट फॉर यू, उस टाइप का मुझे मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जॉयफुल उस टाइप का आइडिया मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है. लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है आपको स्पिरिचुअल मेंटोर की नीड पड़े, या किसी एक ऐसे मेंटोर की नीड पड़े जो आपको इस चीज़ में एक सही डायरेक्शन दे सके. लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है. सो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी एनर्जीज जो रहने वाली हैं, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबंडेंस का नंबर, फाइनेंसेस का नंबर है, तो इसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहेंगी. साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से पैसे निकलवाने की कोशिश करो, या किसी से कुछ काम करवाने की कोशिश करो, एंड आप डिफरेंट तरीके यूज़ करते हुए दिख रहे हो, कभी पीसफुल होके, कभी यू नो गुस्से में, सो डिफरेंट वेज यूज़ करते हुए दिख रहे हो किसी से कुछ काम निकलवाने के लिए. बिकॉज ये जो पर्सन है, ये पर्सन या ये जो भी एनर्जी है, मुझे काफ़ी ढीट एनर्जी दिख रही है. ठीक है, काफ़ी स्टबन एंड रिजिड एनर्जी दिख रही है जो आपको एक हार्ड टाइम दे सकती है फॉर श्योर. एंड आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड ये करना चाहते हैं. इसमें लिखा है अपॉर्चुनिटीज़ आर बींग ऑफर टू यू बट यू आर नॉट नोटिसिंग और ट्रस्टिंग द गिफ्ट्स हेवन इज बेस्टोइंग अपॉन यू. लुक अराउंड यू. ओके, सो बेसिकली अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हो कि नो ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, एंड वो नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को एक रिजेक्शन को एक प्रोटेक्शन के जैसे लो, क्योंकि और भी ऐसे गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की साइड से जो आपको यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहाँ जा नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो. बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.